दोस्तों यदि आपको एलिमेंटर के अंदर जो हेडिंग होती है उसका फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर पैराग्राफ का फॉन्ट फैमिली अगर चेंज करना हो तो कैसे भी करेंगे, कहाँ मिलती है इसकी सेटिंग, तो आज के इस वीडियो में हम एलिमेंटर के अंदर टेक्स्ट या हेडिंग या कह सकते हैं टाइटल के फॉन्ट फैमिली को चेंज करना और यहाँ पर पैराग्राफ आपने जो एडिटर यूज किया है उसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना दोनों ही बताएंगे। तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। का दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम यहाँ पेज को खोल लेते हैं एलिमेंटर में, जिसके में फॉन्ट फैमिली चेंज करना है यानी कि फॉन्ट नेम चेंज करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों पहले हम यहाँ पर हेडिंग या कह सकते हैं टाइटल का फॉन्ट फैमिली चेंज करना बताएंगे यानी कि फॉन्ट नेम। तो आपको सिंपल से क्लिक क्या करना है, क्लिक करना है आपको यहाँ पर इस पर एडिट हेडिंग पर, ठीक है। अगर आप इस पर करेंगे तो ये कंटेनर एडिट का सेक्शन होगा, मतलब कंटेनर के फंक्शन आएंगे, है ना। यहाँ पर आपका फॉन्ट फैमिली नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कंटेनर का है ना। आपको यहाँ पर करना है एडिट हेडिंग पर, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड सेटिंग आएगी। बहुत से यूज़र यही गलती करते हैं, प्रॉब्लम आती है। एंड यहाँ पर दोस्तों अब आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी, आप एडिट टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फैमिली। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं एलिमेंटर के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको ये फॉन्ट रखना है तो ये फॉन्ट हो जाएगा, है ना। अब आपको लगे कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट का भी करना है, जो पैराग्राफ है लिखा है उसका भी फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, आप इसके एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग यहाँ आ जाएगी। अब इसकी भी सेटिंग आपको स्टाइल पर जाना होगा और यहाँ पर टाइपोग्राफी मिलेगा, टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ मिल जाएगा फॉन्ट फैमिली। तो जो फॉन्ट आपको पसंद आए, काफ़ी सारे तमाम फॉन्ट वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, है ना, ये देखिए। तो जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर्सिव में रखना चाह रहा हूँ, देखिए कर्सिव में हो जाएंगे, ये देखिए, है ना। जो फॉन्ट आपको लगे वैसा रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपडेट करेंगे जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट करें और यहाँ रिफ्रेश कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है ना। तो हमने हेडिंग का भी बता दिया और एडिटर का भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप एलिमेंटर में फॉन्ट फैमिली चेंज करें तो आपको एडिट विजिट पर क्लिक करना, कह सकते हैं एडिट टेक्स्ट हो सकता है या हेडिंग हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे डॉट डॉट आ रहे हैं, ये कंटेनर के एडिट वाले फंक्शन होते हैं। जब भी आपको कंटेनर करना है तो कंटेनर को आप कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर में फॉन्ट फैमिली चेंज करने का सेटिंग नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए नहीं मिलेगी आपको, ये देखिए, है ना, ये देखिए कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जब एडिट पर जाएंगे विजिट की, वहाँ पर आपको मिल जाएगी टाइपोग्राफी। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।